नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दुपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। निर्वाचन जितबाक विश्वास के साथ चुनाव में केन्द्रित होबाक नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष नेपाल दलाई निर्देशन, बढ़ गेल चुनावी चहल पहल। नेपाली कांग्रेस के केन्द्रीय कार्य समिति बैसल भिनसर 11 बजे। आजुक बैसार से गठबंधन के संबंधी निष्कर्ष निकाल जेबाक तैयारी। काठमांडू के नरदेवी में धार्मिक परंपरा अनुसार नरदेवी यात्रा शुरू, देवगण सहित के देवी नाच और नगर परिक्रमा के इस परंपरागत चलन। रूस संगे भेल वार्ता में सार्वभौम सत्ता, क्षेत्रीय अखंडता प्राथमिकता रहत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चल कहब, यूक्रेन के पक्ष में ककरो वकालत नहीं करक लेल रूस के लकमान। आ त्रिकोणात्मक T20 सीरीज अंतर्गत के पहल खेल में नेपाल आय अतिथि टोली पपुआ न्यूगिनी PNG विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करत। कार्यकर्ता में विश्वास जगाबा वाला नेता सभक भाषण से स्थानीय तह के निर्वाचन बहुत नजदीक रहल बुझा रहल है। समसामयिक घटना आ सैद्धांतिक प्रशिक्षण में समाप्त भ जाय वाला नेता सभक भाषण के अधिकतम समय आइकाल्हि असफल कार्यकाल भर के किस्सा के उठान आ खंडन में समाप्त भ जायत। बाप रे बाप, मान्छेको बाढी टिका लगाउँदाले गर्दा पार्टी प्रवेश म त थाकेर भने तपाईँ टिका लगाउनुहोस्। नुवाकोटमा म त्यहाँ गएँ, नुवाकोटमा मोटरसाइकलको विशाल ऱ्याली, 10 किलोमिटरको ऱ्याली, 30 गतेको चुनावमा कलम चिन्हमा भोट घुस्री खर्च, अरू सबै बिर्सिने, कलम कलम कलम, जहाँ कलम त्यही ठप्पा। मुस्लिम इंतेहाद संगठन नेपाल के राष्ट्रीय भेला तथा केन्द्रीय कमिटी के घोषणा कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टी के जितेबाक हेतु अर्जुन दृष्टि लगेबाक लेल निर्देशन दलन। सूर्यको झण्डा जम्मा 12 छ, पार्टीको झण्डा 30 छ, मुस्लिम इतिहादको झण्डा 30 छ, भए नै बाँकी दुईटा झण्डा 5-5 भए हुन्थ्यो, कलम चिन्हको झण्डा 100 हुनु पर्थ्यो। वर्षभरि संगठन बनायो, 5 वर्ष संगठन बनायो, भोटको बेलामा लड्डु पायो भने के काम, मान्छेले भोटे दिनु भने के काम छ। नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीमा व्याप्त प्रमुख 4 कारण सब दक्षिणपन्थी अवसरवाद, आत्मसमर्पणवाद, व्यक्तिवाद आ अधिनायकवाद के कारण अलगे पार्टी बनाकर निर्वाचन में जेनाय आवश्यक रहल समेत नेता नेपाल बतौलनि। मोहन विक्रम सिंह फोन कऽ गठबंधन के आवश्यकता दिस संकेत कयलनि आ जिला जिला के नेता सब गठबंधन के पक्ष में रहला कारण पार्टी निर्वाचन पश्चात समेत मजबूत रूप में उपस्थित होबाक विश्वास कार्यकर्ता के समक्ष व्यक्त कयलनि। गुल्मी जिल्ला का कांग्रेस नेताले भने कि हाम्रो नेता पनि शेखर कोइराला नै, र शेखर कोइरालालाई हामी भनिसक्यौँ कि हामी गुल्मी जिल्लामा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेरै चुनावमा भाग लिन्छौँ र सबै 5 दल मिलेरै चुनाव जान्छौँ भनेपछि ठिक छ भाडा शेखरजीले पनि जवाब दिनु। अरनाखाँसी जिल्लामा सबै पार्टी बसेर संयुक्त रूपमा घोषणा गरे, तेह्रथुम जिल्लामा पनि कङ्ग्रेस लगायतका पार्टी बसेर मंत्री राम कुमारी झांकरी अखन के गठबंधन के लोकतंत्र में तथा प्रतिस्पर्धा होबाक चाही कह का प्रश्न पूछल गेला पर सुशासन के लेल गठबंधन आवश्यक रहल आ ओहि भीतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रहल बतौलनि। मुलुक को सुशासन को लागि, राजनीतिक प्रणाली को स्थायित्व को लागि र लोकतंत्र को प्रवर्धन को लागि हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो प्रयोग गर्दै गर्दा कतिपय व्यक्तिहरू देख्छौं कि लोकतन्त्रमा गठबन्धन होइन प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने कुरो गर्दै गर्दा हामीले आजसम्म अभ्यास गरेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अभ्यास गरेको पनि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति नै हो। पहिल बेर निर्वाचन में होम होत आबि रहल नेकपा एकीकृत समाजवादी जनवर्गीय संगठन सबके पूर्णता देत आ पार्टी प्रवेश करेबाक कार्य के तीव्रता दिलक। नेपाली कांग्रेस के केन्द्रीय कार्य समिति बैसार आइ सेहो बैसल अछि। रवि दिन बैसल बैसार से भिनसर 11 बजे के लेल बैसार तय कयल गेल छल।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा में भिनसर 11 बजे के बाद बैसल बैसार में केन्द्रीय सदस्य अपन धारणा व्यक्त कर रहा है। बैसार में स्थानीय तह के निर्वाचन गठबंधन केन्द्रित चर्चा होयत। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति से स्थानीय तह के आवे वाला निर्वाचनक तैयारी आ उम्मीदवार चयन के लिए बोर्ड गठन के निर्णय कर रहा है। इससे पहले 2 दिन धरि बैसल बैसार में पहल दिन धारणा रखबा का अधिकांश केन्द्रीय सदस्य गठबंधन आवश्यक रहल पर जोर देने छला। रवि दिनक बैसार में अपन धारणा प्रकट करनिहार किछ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन में बिना गठबंधन जाय पड़बाक ऊपर जोर दिलन। प्रधानमंत्री समेत रहल पार्टी सभापति शेर बहादुर देउबा चुनाव में गठबंधन के लऽ कऽ आगू बढ़ पड़बाक अडान में त शेखर कोइराला समूह गठबंधन के विरुद्ध में। आजुक बैसार से गठबंधन के विषय में निष्कर्ष निकालल जेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। काठमांडू के नरदेवी स्थित श्री अंगयत भूल अजीमा नरदेवी के धार्मिक परंपरा अनुसार 12 वर्षक यात्रा शुरू भेले छ। नरदेवी के अंगयत पाचो स्थित अंगयत भूलू अजीमा धोछेंग सौ रवि दिन राति में देवगण सहित के देवी नाच प्रदर्शन सहित नगर परिक्रमा कराओल गेल। देवी सहित के देवगण के नाच परिक्रमा होबाक परंपरागत चलन रहत आयल अछि, जाहि के दे चाही केगू परंपरागत देवी मार्ग कहल जाइत अछि। देवगण नरदेवी टेंगल असन बालकुमारी जनबहाल इंद्रचोक मखन होइत हनुमान ढोका दरबार पहुँचत। तहिना हनुमान ढोका दरबार से मरु जैसी देवल भीमसेन स्थान काष्ठ मंडप होइत पुनः नरदेवी फिरता भ जाइत अछि। 12 वर्ष पर लागे वाला मेला के पहिल दिन के देशावर यात्रा पश्चात चैत 17 गते साँझ देवी नाच सवारी कराओल जाइत अछि। वह राति से चैत 18 गते राति धरि नरदेवी स्थित देवी के डबली में 12 वर्षक पर्व देवी नाच प्रदर्शन कयल जायत। एहि नाच में विविध देव देवी के वस्त्र आभूषण लगाकर नृत्य कयल जाइत अछि। 12 वर्षक नरदेवी यात्रा में नरदेवी के संगे गणेश भैरव नरसिंह सहितक देव देवी के सहभागिता रहित अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आ बाकी समाचार। नेपाल में रहल यूनिवर्सिटी सबमे से किछ भिन्न यूनिवर्सिटी 3 जेनरेशन यूनिवर्सिटी के स्थापना भेल अछि। 3 जेनरेशन में 3 टा सूत्र लागू हेतु जे कि 2H1B छी, जाहि के अर्थ हैंड हार्ट आ ब्रेन छी, जाहि में 1 से 15 वर्ष उमेर समूह के भविष्य अपन हाथ में रहते अछि। 16 से लकर 40 वर्ष उमेर समूह के व्यक्ति के भविष्य अपन हार्ट अर्थात हृदय में रहते अछि आ 41 से लकर जीवित रहला धैर्य के व्यक्ति सबक भविष्य अपन ब्रेन अर्थात मस्तिष्क में रहते अछि। एउटा बच्चा में हाइन उनीहरुको हाथ में छ, युथहरुको हार्ट में छ, अनि सिनियरहरुको हेड में छ। नेपालक मुख्य समस्या दक्ष जनशक्ति सब विदेश देश जनाइ छी। लगभग 40 लाख से बेसी व्यक्ति सब विदेश पलायन भेल तथ्यांक सब में उल्लेख अछि। नेपाल चीन संबंध के जानकार डॉक्टर राजीव झा नेपाल चीनिया विदेश मंत्री के नेपाल भ्रमण के उचित सदुपयोग नहीं कर सकल बतौलन अछि। शुक्र दिन 3 दिनक नेपाल भ्रमण के लेल आयल चीनिया विदेश मंत्री वांग यी के भ्रमण के नेपाल उचित सदुपयोग नहीं कर सकल बतौलन अछि। ओ चीनिया विदेश मंत्री ई के नेपाल भ्रमण के लेल नेपाल किछ तैयारी नहीं कह सकल सेहो बतौलन। झा नेपाल आ चीन सरकार बीच शनि दिन भेल द्विपक्षीय वार्ता में BRI परियोजना संबंधी कोनो भी योजना सब शामिल नहीं भेलाय आश्चर्यजनक भेल बतौलन। ओ विदेश मंत्री ई नेपाल आवे से पहिने BRI संबंधी परियोजना के संबंध में सेहो चर्चा करबाक बात भेलाक बावजूदो ओहि विषय में कोनो भी समझौता के संबंध में सरकार बात नहीं उठा सकल बतौलन। नेपालको तयारी नै पुगेन अथवा नेपाल सरकारले वाङीको भिजिटलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। कारण के हो भन्दाखेरि हिजो जब द्विपक्षीय वार्ता भयो त्यसमा विभिन्न सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्ने कुराहरू थिए, त्यसमा BRI सम्बन्धीका योजनाहरू एउटा पनि परेको देखिएन। नेपाल सरकारको तयारी पुगेन, उहाँहरूले यसलाई यो भिजिटलाई 100% सदुपयोग गर्न सक्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ।
डॉक्टर झा चीन सरकार नेपाल के विशेष महत्व के साथ विदेश मंत्री के विजिट करौलाक बादो नेपाल खास रुचि ने देखौलक कह का उपराग दिलेन शुक्र दिन तीन दिनक नेपाल भ्रमण में आल चीनिया विदेश मंत्री ई रवि दिन सुदेश घूम गेला। आर्थिक समाचार नेपाल राष्ट्र बैंक सोम दिनक लेल विदेशी करेंसी के विनिमय दर तय कयलक अछि। राष्ट्र बैंक के अनुसार अमेरिकी एक डॉलर के खरीद दर 121.62 रुपया आ बिक्री दर 122.22 रुपया रहल अछि। तहिना यूरो एक के खरीद दर 133.58 रुपया आ बिक्री दर 134.23 रुपया रहल अछि। संगे विलायती पाउंड एक के खरीद दर 160.62 रुपया आ बिक्री दर 161.21 रुपया रहल अछि। कतारी रियाल के मूल्य एक के खरीद दर 33.20 रुपया आ बिक्री दर 33.37 रुपया रहल। राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 सीरीज अंतर्गत के पहिल खेल में नेपाल आए अतिथि टोली पपुआ न्यूगिनी पीएनजी विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करत। नेपाल आए त्रिवी क्रिकेट मैदान में पीएनजी के सामना कर रहल अछि। नेपाल आ पीएनजी बीच के खेल दोपहर 12:30 बजे शुरू होयत। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में क्लीन स्वीप भेल नेपाल T20 सीरीज में एहि के बदला लेबाक लक्ष्य में रहत। एहि से पहिने नेपाल आ पीएनजी एक बेर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट खेल में आमने सामने भऽ चुकल अछि। सन 2015 में नेपाल आईसीसी T20 विश्वकप चयन प्रतियोगिता में पीएनजी संगे खेलने छल। नेपाल आ पीएनजी दुनू एक एक बेर T20 विश्वकप खेल चुकल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सोंक पेर। निर्वाचन जितबाक विश्वास के साथ चुनाव में केंद्रित होबाक लेल नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल देलनि निर्देशन। बढ़ गेल चुनावी चहल पहल। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समितिक बैसार बैसल भिनसर 11 बजे। आजुक बैसार सँ गठबंधन के संबंधी निष्कर्ष निकालल जेबाक कयल गेल अछि अपेक्षा। काठमांडू के नरदेवी में धार्मिक परंपरा अनुसार नरदेवी यात्रा शुरू। देवगण सहित के देवी नाच आ नगर परिक्रमा के अछि परम्परागत चलन। रूस संगे भेल वार्ता में सार्वभौम सत्ता आ क्षेत्रीय अखंडता प्राथमिकता रहत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के छल कहब यूक्रेन के पक्ष में ककरो वकालत नहीं करक लेल रूस के लकमान। आ त्रिकोणात्मक T20 सीरीज अंतर्गत के पहिल खेल में नेपाल आया अतिथि टोली पपुआ न्यूगिनी पीएनजी विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करत। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamachar.com में सेहो पढ़ देखा सुन सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।